वेलकम डियर फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डेली करंट अफेयर्स मई 2023 सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन इज व्हिच डिजीज वाज डिक्लेयर बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टोनो लांगर इंस्टीट्यूट अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ऑन मई एलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मई दो को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी बीमारी के बारे में ये डिक्लेयर किया है कि अब ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रही उस लिस्ट से इसको हटाया है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज एम्पाक्स एमपाक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन एक साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था क्योंकि अभी इसके जो केसेस है वो काफ़ी कम हो गए हैं तो इसी वजह से इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से हटाया है नेक्स्ट इज इन विच कंट्री विल द फर्स्ट ड्राइवरलेस बस नेटवर्क बी रोल्ड आउट इन स्काटलैंड नेक्स्ट वीक विद ड्राइवर्स आर स्टैंड बाई बिहाइंड द स्टियरिंग व्हील अगले हफ्ते किस मुल्क में पहला बगैर ड्राइवर वाला बस नेटवर्क चलेगा इसमें ड्राइवर्स होंगे लेकिन ये सिर्फ स्टैंड बाई भी होंगे इमरजेंसी के सूरत में एक्ट करेंगे अदरवाइज ये कुछ नहीं करेंगे सो द करेक्ट ऑप्शन यर इज यू के मतलब यूनाइटेड किंगडम नेक्स्ट इज़ अन माई एलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विच सर्विस डेट ट्विटर एंक एलाउ अर्ली एक्सिस टू फॉर इट्स सब्सक्राइबर्स ऑफ द ब्लू वेरीफिकेसन फीचर 11 मई 2023 को ट्विटर ने अपने ब्लू वेरीफिकेशन फीचर वाले सब्सक्राइबर को कौन से सर्विस की अर्ली एक्सेस दी है अर्ली एक्सेस मतलब बाकी जो कस्टमर्स हैं उनको भी ये सर्विसेस प्रोवाइड होंगी लेकिन अभी इन इनको प्रोवाइड नहीं की गई है सिर्फ ब्लू टिक वाले को प्रोवाइड की गई है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज मैसेजिंग सर्विस अब ये कस्टमर्स मैसेजेस एक दूसरे के साथ कर सकते हैं जो कि इंक्रप्टिड होंगे एंड टू एंड इनकी इंक्रिप्शन होगी कोई भी जो है ना बीच में इसको नहीं पढ़ सकेगा ना इसको डिकोड कर सकेगा नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट रिपोर्ट बाय द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर एंड द नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल हाउ मेनी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल वर रजिस्टर्ड इन 2022 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल दोनों ने एक जॉइंट रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश किया है इस रिपोर्ट के मुताबिक दो हज़ार बाईस में इंटरनली डिस्प्लेस्ड कितने लोग रजिस्टर हुए हैं सो दिन सेवेंटी वन पॉइंट वन बिलियन मतलब सात करोड़ ग्यारह लाख नेक्स्ट इज विच कंट्रीज फिशरमैन वर रिलीज फ्राम द प्रिजन मलिर इन सिंध पाकिस्तान पाकिस्तान के सूबा सिंध के प्रिजन प्रजेंट से किस मुल्क के माहरों को रिलीज़ किया गया है सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ इंडियन इंडिया के तकरीबन एक सौ अट्ठानवे माहिगीरों को रिलीज़ किया गया है और इसको लाहौर की तरफ इनको रवाना किया गया है जहाँ से ये वाघा बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाएंगे नेक्स्ट इज़ विच कमेटी ऑफ द यू एस सैनट आर्ज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑन मई एलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टूरिस्ट और इंटरनेट सर्विसज एंड डी एस टेंशन द कंट्री यूनाइट स्टेट्स के सीनेट के कौन सी कमेटी ने 11 मई 2023 को पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस बात पे अर्ज किया है कि वो एक्रास द कंट्री इंटरनेट सर्विसेज को रिस्टोर करें और जो टेंशन इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से क्रिएट हुए थे इसको डी एस क्लेट करे सो द इज फॉरन रिलेशन कमेटी नेक्स्ट इज डेट पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक अनाउंस डेट द फेडरल बजट फॉर फिस्कल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटीड पाकिस्तान के वजी खजाना इसहाक टार ने कौन से तारीख का ऐलान किया है जिस पर पाकिस्तान का विफाकी बजट मानी साल दो हज़ार चौबीस के लिए प्रजेंट किया जाएगा सो द इज जून नाइन इस साल नौ जून को विफाकी बजट प्रजेंट होगा हियर इट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टाइम स्टेबल